दोस्तों, पंजाब किंग्स और लखनऊ सुपर जायंट्स आईपीएल 2024 के 11वें मैच में एक दूसरे के आमने सामने होंगे। आज की इस वीडियो में हम पंजाब किंग्स और लखनऊ सुपर जायंट्स दोनों टीमों की बैटिंग लाइनअप के बीच कंपैरिजन करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आपको भी है पंजाब और लखनऊ के बीच मुकाबले का बेसब्री से इंतजार, तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं पंजाब और लखनऊ के बीच बैटिंग कंपैरिजन। तो इस कंपैरिजन में पहले नंबर पर शिखर धवन के सामने है केएल राहुल। दोस्तों, पंजाब के कप्तान धवन और एलएसजी के कप्तान राहुल अपनी अपनी टीम की बैटिंग लाइनअप के स्तंभ हैं। दोनों आईपीएल में कंसिस्टेंसी के साथ रन बनाते हैं। इस सीजन में भी दोनों की शुरुआत अच्छी रही है, यानी बढ़िया फॉर्म में है, इसलिए इस कंपैरिजन में राहुल और धवन का पलड़ा बराबर है। दोनों में से कौन सबसे बेहतरीन है ये बता पाना बहुत मुश्किल है। उसके बाद दूसरे नंबर पर जॉनी बेयरस्टो के सामने है क्विंटन डीकॉक। दोस्तों, दोनों टीमों के ये दोनों बल्लेबाज भी अटैकिंग बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं। आंकड़ों पर नजर डालें तो बेयरस्टो ने 41 आईपीएल मैचों में 1308 रन बनाए हैं 34 की एवरेज और 143 की स्ट्राइक रेट के साथ। वहीं एलएसजी के डीकॉक ने बेयरस्टो से ज्यादा 97 मैच खेले हैं, जिनमें उनके नाम 2911 रन हैं। हालांकि एवरेज और स्ट्राइक रेट में डीकॉक बेयरस्टो से पीछे हैं, लेकिन डीकॉक आईपीएल से पहले साउथ अफ्रीका 20 लीग में बढ़िया टच में दिखे थे और उन्होंने रन बनाए थे, जबकि बेयरस्टो लंबे समय से खराब फॉर्म में चल रहे हैं, इसलिए कंपेरिजन में जीत डीकॉक की होने वाली है। फिर इस बैटिंग कंपैरिजन में नंबर 3 पर पर्व सिमरन सिंह के सामने हैं देवदत्त पडिकल। वैसे तो ये दोनों ही बल्लेबाज युवा हैं, लेकिन पडिकल के पास आईपीएल का ज़्यादा एक्सपीरियंस है पर्व सिमरन सिंह के मुकाबले। पडिकल ने 58 आईपीएल मैचों में 1521 रन बनाए हैं, जबकि पर्व सिमरन ने सिर्फ 22 मैच खेले हैं जिनमें उन्होंने 473 रन बनाए हैं। लेकिन पडिकल के साथ दिक्कत ये है कि वे बहुत ही स्लो बैटिंग करते हैं। उनका करियर स्ट्राइक रेट सिर्फ 125 का है, जबकि पर्व ने 140 की स्ट्राइक रेट से रन बनाए हैं। आईपीएल 2023 में उन्होंने 150 की स्ट्राइक रेट से 350 से ज़्यादा रन बनाए थे। इस सीजन में भी टच में लग रहे हैं, इसलिए कंपेरिजन में बाजी पर ही मारने वाले हैं। उसके बाद नंबर 5 पर जितेश शर्मा के सामने है निकलस पूरन। दोस्तों, पंजाब के जितेश और एलएसजी के पूरन दोनों ही अपनी अपनी टीम के लिए मैच फिनिशर का रोल प्ले करते हैं और दोनों ही अब तक अपने रोल में खड़े उतरे हैं, लेकिन जितेश शर्मा का पूरन से कोई मुकाबला नहीं है। कैरेबियन बल्लेबाज निकलस पूरन को टी20 क्रिकेट का लंबा एक्सपीरियंस है। दुनिया के सबसे खतरनाक टी20 बल्लेबाज माने जाते हैं, इसलिए पूरन का पलड़ा बहुत भारी है। उसके बाद बैटिंग कंपैरिजन में 5वें नंबर पर लिविंगस्टन के सामने है मार्कस स्टोन्स। लिविंगस्टन और स्टोन्स भी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं। दोनों ने अपनी टीम को तूफानी बल्लेबाजी से कई मैचों में जीत दिलाई है। दोनों के करियर पर नजर डालें तो लिविंगस्टन ने 34 मैचों में 883 रन बनाए हैं 30 की एवरेज और 165 की धमाकेदार स्ट्राइक रेट के साथ, जबकि स्टोन्स ने 83 मैचों में 1481 रन बनाए हैं 26 की एवरेज और 140 की स्ट्राइक रेट से। अगर कंपैरिजन करें दोनों में से कौन बेहतर है, तो मैं यहाँ लिविंगस्टन को आगे रखूंगा, क्योंकि वे टी20 स्पेशलिस्ट हैं, एवरेज और स्ट्राइक रेट में स्टोन्स से आगे हैं। फिर इस कंपैरिजन में 6वें नंबर पर सैम करन के सामने हैं आयुष बडोनी। इस कंपैरिजन में कोई डाउट नहीं है कि सैम करन का पलड़ा ज़्यादा मजबूत है। करन और बडोनी दोनों ने पिछले सीजन में बल्ले से लगभग एक जैसा परफॉर्मेंस किया था, लेकिन करन दुनिया के सबसे बेहतरीन ऑलराउंडर्स में से एक माने जाते हैं। इस सीजन के पहले मैच में उन्होंने 50 ठोक दी थी, जबकि आयुष पहले मैच में सिर्फ 1 रन बनाकर चलते बने थे, इसलिए सैम करन ही बेहतर है। तो दोस्तों, ये रहा पंजाब किंग्स की बैटिंग लाइनअप और लखनऊ सुपर जायंट्स की बैटिंग लाइनअप के बीच कंपैरिजन। अभी के लिए बस इतना ही। आईपीएल से जुड़ी ऐसी ही अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।